साथियों, भारतीय जनता पार्टी अगर इतना कुछ कर पाती है तो इसके पीछे हमारी एक और बहुत बड़ी विशेषता है। हमारा संगठन कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद तक, ये जो हमारी श्रृंखला है, हमारी संगठन की रचना है, हमारे संगठन में जो जीवंतता है, हमारे संगठन में जो संवेदनशीलता है, ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है। राजनीतिक जो कमेंटेटर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि संगठन की शक्ति लगती है तो चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, वगैरह वगैरह। वो चुनाव के दायरे में ही संगठन को देखते हैं। अन्य राजनीतिक दलों के लिए शायद ये सच होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आकलन अधूरा है। साथियों, हमारे लिए हमारा संगठन चुनाव जीतने की सिर्फ मशीन नहीं है। हमारे लिए हमारा संगठन का मतलब है सेवा। व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में बदलाव लाने के लिए हर देश यज्ञ में आहुति देते रहना, हमारे लिए हमारे संगठन का मतलब है सबका संग, सबका साथ, सबको लेकर के चलना है। हमारे लिए हमारे संगठन का मतलब है सबका सुख, सबकी समृद्धि। हमारा संगठन समाज हित के लिए काम करने वाला है, संघर्ष करने वाला है, समाज और देश के लिए खप जाने वाला है। हमारे लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट रहा है। और साथियों, ऐसा नहीं है, ये बात हमने कहीं भाषणों के माध्यम से या पार्टी के प्रस्ताव में लिख करके पास कराई और उसके कारण हुआ है, जी नहीं। राष्ट्रहित के इस भाव को, राष्ट्र प्रथम के इस भाव को स्थापित करने में हमारी कई पीढ़ियां खप गई है। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अनेक महापुरुष, सभी वरिष्ठ नेता, अनगिनत, इनके संस्कारों ने, जी करके दिखाए हुए संस्कार की श्रृंखला ने हमें प्रेरित किया है। और इसी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ने वंचित हो, शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, सभी को समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में लाने का, उन्हें सशक्त करने का निरंतर प्रयास किया है। आज इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी में, और हम गर्व से कह सकते हैं, हम कोई भेदभाव से नहीं देखते हैं, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए कहना पड़ता है, हमें गर्व है कि आज देश में जो सांसद है उसमें से 52 दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 43 सांसद, 43 सांसद मेरे आदिवासी भाई हैं, बहनें हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो भाजपा के 113 सांसद से भी ज्यादा पिछड़े वर्ग से आते हैं। साथियों, विधानसभाओं में करीब करीब 150 से ज्यादा आदिवासी एमएलए हैं बीजेपी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग से जुड़ी है और समाज का हर वर्ग हमसे जुड़ा है। आपके परिश्रम से भाजपा का, हर समाज से विश्वास का एक अटूट रिश्ता बना है।